चौक खाने वाली बहू। इंदु बचपन से ही स्कूल और घर में सबसे छुपकर चौक खाती आई है, लेकिन एक दिन जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो घर में रखी उसकी सारी चौक कूड़े में फेंक देते हैं। जब आपको पहले से पता हो कि ऐसा दिन आएगा और आप सेफ्टी के चलते पहले ही टीचर बन चुकी हो तो दिल से बुरा नहीं लगता। और मैडम जी, स्कूल में चौक से पढ़ाती हो या उसे भी खा जाती हो? चौक खाने के लिए ही टीचर बनी हो क्या? चिल्ला चिल्ला कर सबको स्कीम बता दो। अरे आखिर कहना क्या चाहती हो? यही पापा कि आप लोगों की नजरों में टीचर की यही इज्जत है क्या? हमारे ऊपर बच्चों के फ्यूचर की जिम्मेदारी होती है। हाँ, टीचर बनकर फ्री की चाक खाने के लिए मिलना, अरे दिख रहा है किसका फ्यूचर सोच रही हो। अब हम तेरे फ्यूचर का सोचेंगे। इस बात पर मुंह बनाए इंदु वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद ही इंदु की शादी सनी के साथ हो जाती है। भाई, मैं तो अपनी बहू से बहुत खुश हूँ। स्टूडेंट के साथ मेरे निकम्मे बेटे को भी अच्छे से संभालती है। या यार मम्मी, आप किसके साइड हो? अभी भी समझ में नहीं आया क्या? सही है, 4 दिन में इनकी साइड भी फिक्स हो गई। सास बहू की ऐसी जोड़ी देख सब किलसते हैं, पर वो दोनों सबको इग्नोर कर अपनी मौज में रहती है। लेकिन इंदु की चाक खाने वाली आदत के बारे में अभी तक ससुराल में किसी को पता नहीं होता। जिस पर एक दोपहर इंदु स्कूल से घर वापस आती है तो सास उसे देख जोर जोर से हंसने लगती है। क्या बात है, आज चाक हाथ की जगह मुंह से पकड़ कर बच्चों को पढ़ा रही थी क्या? सास के बोलते ही इंदु शीशे के सामने जाकर अपने आप को देखती है तो उसके सारे होंठ सफेद हो रहे होते हैं, जिन्हें देख वो हड़बड़ाहट में होंठ साफ करने लगती है। गधी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? अरे घबरा तो ऐसे रही है जैसे किसी ने चोरी करते पकड़ लिया हो। स्कूल में काम करते हुए लग गया होगा, इतने परेशान क्यों हो रही हो? इंदु राहत की सांस लेते हुए सास को हाँ में जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं, जिसमें अब इंदु स्कूल से चाक के डिब्बे घर लाकर सबसे छुपकर खाने लगती है, और जिसे एक शाम आखिरकार सास पकड़ ही लेती है। अरे क्यों री, चाक को रोटी की तरह खाती है? किसने सिखाया तुझे चाक खाना? वो मम्मी जी, वो मैं नहीं खाती, आज बस पहली बार। चल झूठी, प्रो होकर पहली बार बोलती है और डर तो ऐसे रही है जैसे चाक नहीं ड्रग्स खाते पकड़ लिया हो। चल अब एक मुझे भी पकड़ा। इसे सुनते ही इंदु खुश होकर चाक का डिब्बा सास के सामने कर देती है, जिस पर खुद को रोक ना पाते हुए सास भी उसके साथ बैठकर चाक खाने लगती है। वाओ मम्मी, मुझे तो लगा आप मुझे बहुत डांटोगी और सारी चाक भी फेंक दोगी जैसे घर में माँ पापा किया करते थे। अरे चल पागल, कभी सुना है खजाना मिलने पर कोई डिब्बा बंद करके वहाँ से चला जाए? मैं भी ना शादी से पहले बहुत चौक खाया करती थी, फिर शादी हो गई और कम पढ़ाई की वजह से मेरे पास टीचर वाला ऑप्शन भी नहीं था। अब पता है एक बार। इसी के साथ दोनों सास बहू एक दूसरे को अपनी चौक की कहानियाँ सुनाने लगती है, जिसमें चौक खाते हुए और हंसी के ठहाके लगाते हुए दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसी तरह दिन पर दिन सास बहू का बॉन्ड अच्छा होने लगता है। एक शाम पूरा परिवार साथ बैठा क्रिकेट मैच देख रहा होता है। हाय धोनी। ओ धोनी की दीवानी, शादी सनी से हुई है? अरे जब किस्मत में लिखा हो लंगूर तो कहां से मिल जाएगा अंगूर। यार ये गलत है, दोनों हर बार मुझ जैसे बेचारे को साइड कर अपनी अलग टीम बना लेती हो, मैं नहीं खेल रहा। मतलब समझ नहीं आता, जब सास बहू में बने नहीं तो तुम बेटों को दिक्कत होती है, और अब जब सास बहू दोस्त बन गई है तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है जल कुकड़े। वाह, एक बेटे से उसकी माँ छीन कर उसे ही जल कुकड़ा कह रही हो, देख लूंगा तुम्हें भी। ये कहकर सनी वहां से चला जाता है। अगले सुबह से उसका वही रूटीन शुरू हो जाता है, जिसमें सनी ऑफिस और इंदु स्कूल जाने लगती है। साथ ही सास बहू का चौक खाने वाला सेशन भी चलता रहता है। पर एक शाम
सास इंदु के जाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चाक निकाल लेती है, जिसे इंदु देख लेती है और फिर हर रोज आधे से ज्यादा चाक गायब होने लगती है, जिसके चलते सास बहू के बीच नोक झोंक शुरू हो जाती है। मम्मी, ये सब आपको शोभा नहीं देता। मुझे शोभा नहीं देता या तुम्हें? टीचर हो पर तुम्हें भी स्कूल से चाक घर लाना अलाउड नहीं है। वो तो करती ही हो, ऊपर से घर में भी स्कैम शुरू कर दिया। स्कैम? वाह मम्मी, जिस सफाई से आप गलतियों का इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, आपको तो राजनीति में जाना चाहिए। सास बहू की बातों के तीर एक दूसरे पर चल ही रहे होते हैं कि सनी ऑफिस से वापस आता है और घर का कुरुक्षेत्र वाला माहौल देखकर हैरान रह जाता है। क्या बात है, आज ये सीता गीता में दुश्मनी कैसे हो गई? अपनी मम्मी से ही पूछो ना। हाँ हाँ बताती हूँ, तेरी पत्नी की करतूत अच्छे से बताती हूँ। ओहो, करतूत तो ऐसे बोल रही है जैसे अफेयर करके आई हूँ। अरे चोरी तो की ही है ना। क्या इंदु, तुमने अपने ही घर में चोरी की? वैसे चोरी क्या हुआ है मम्मी? अरे इस उम्र में इतना झूठ तो मत बोलो मम्मी जी, भला अपनी जान भी कोई चुरा सकता है क्या? आपने तो मेरी जान की चोरी की है। अरे बेबी, तुम्हारी जान तो मैं हूँ और मैं तो यही हूँ। अब तू जैसी जान को चोरी नहीं किया जाता, बेचा जाता है। सही बात है। सास बहू की लड़ाई के साथ साथ चल रही इस यूनिटी को देख सनी कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर वो उन्हें शांति से पूरी बात बताने के लिए कहता है और वो दोनों उसे चाक खाने की पूरी कहानी बताती हैं। देख, तेरी पत्नी ने हमारी चाक चोरी की है। मैंने नहीं, आपने। मैंने खुद आपको एक बार अकेले में चाक निकालते देखा है। अरे मानती हूँ निकाली थी, लेकिन सिर्फ एक बार। यार वो तो मैंने भी देखा था, तभी तो तुम दोनों के राज का पता चला और फिर मैंने चुपके से धीरे धीरे चाक गायब करना शुरू कर दिया। अरे बताओ तो जरा, दोनों इतनी देर से एक छोटी सी बात पर हंगामा कर रही हो। सनी की बात पर दोनों घूरते हुए उसे देखने लगती हैं। बताने का कष्ट भी कर दीजिए कि ऐसा क्यों किया आपने। तो क्या दुनिया में चाक खाने वाली आप दोनों अकेली हो? ऐसे ही चाक के दीवाने मिलने लगे तो एक दिन देश में चाक स्कैम की खबर मिलती भी देर नहीं लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।